नमस्कार और आदाब। आज सनीचरे फरवरी के 15 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें। प्रेसिडेंट देसी बाउद ने पिछले हफ्ता एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर कहा था कि वो इसी हफ्ता में नाम लेगा कौन बनेगा 6 महीने के लिए वर्नेमन गवर्नर सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम का। ऐसे में ये हफ्ता में प्रेसिडेंट की तरफ से ये फोरद्राफ्ट आए हैं कि सिगमंड प्रूफ को वो सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम के गवर्नर बनाना चाहते हैं 6 महीने के वास्ते वर्नेमिंग में वहाँ पर बैठक लेने के लिए। बहुत से लोग, आम जनता और भी सोशल मीडिया पर इस बारे में काफ़ी कटास हुआ है क्योंकि सिगमंड प्रूफ का अतीत कहते हैं कि डीएसबी बैंक में कुछ ऐसे चीज़ें हुआ है और इसी वजह से लोग नहीं चाहते हैं कि वो नया गवर्नर बने सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम का। वो ये हम आपको बताना चाहते हैं कि पर्सोनल जो है सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम का, ये सब मंगल को भी 2 घंटे के लिए एक ब्रेक अक्सी किए हैं। लोग 2 घंटे तक काम नहीं किए हैं और इससे लोग भी साबित करना चाहा कि लोग सिगमंड प्रूफ को वहाँ पर नहीं चाहते हैं। ये जो ब्रेक अक्सी हुआ है मंगल को पर्सोनल के जरिए, इसके बाद और काफ़ी जो कटास हुआ है इसको सुनने के बाद प्रूफ खुद फैसला लिए है अब इस पदवी से कदम वापस लेने को। अब वो गवर्नर नहीं बनना चाहते हैं। फंत्रिक के समस्या के बारे में पिछले हफ्ता भी हम आपको बताए थे और ये आपको भी कहे थे कि इनका गिरफ्तारी हो गया है। पुलिस इस वक्त इनका सुनवाई हो रहा है, मुकदमा इस पर चल रहा है। फंत्रिक का साक पार्टनर जो है अश्विन अंगनू को पुलिस भी इसी हफ्ता में सोमवार को गिरफ्तार किए हैं। ओरियन के पास ये बद्रैफ, ओरियन के पास जो फंत्रिक का बद्रैफ है यहाँ पर साक पार्टनर इसका है अश्विन अंगनू और इसको भी सोमवार को गिरफ्तारी इनका हुआ है। इनका बयान लोग लिए है और बयान लेने के बाद इसके आधार पर यूस्टिस के लिए काफ़ी कारण था इनको भी गिरफ्तार करने के लिए। ओपन बार मिनिस्ट्री के कहने पर होफन यूस्टिस ये कहा है कि फंत्रिक का वकील जो है इनसे नहीं मिल सकते, इनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। ये कन्हाई जो इनका वकील है इरविन कन्हाई, ये कहा है सच बात है कि इनको मना है अपने क्लाइंट से मिलने के लिए, फंत्रिक से वो नहीं मिल सकते हैं और इनसे बातचीत नहीं कर सकते हैं। और ये जो पैकिंग है क्लाइंट से मिलने के लिए ये फिर 3 दिन 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। कहा गया है कि खोजबीन के लिए किसी भी तरह से बात करना फंत्रिक से मना है, ये कोई भी इनसे बात नहीं कर सकते हैं, इनसे नहीं मिल सकते हैं। फंत्रिक को रिशेलियोई पर एक कैद खाना में रखा गया। वो अकेले एक रूम में है, एक सेल में है और लोग कहते हैं कि या कहा गया है कि वहाँ का फैसिलिटेट जो है और बेहतर है, इसलिए रिशेलियोई पर उनको कैद में रखा गया है। कैद का फंत्रिक का जो कैद ये कैद में रखा गया है, कहा गया कि जायज़ है, तुत सिंह पर यह पता चला ये रहमात है, इसलिए दर तख्दाह का फरलेंगिंग भी इन्हें मिला है। बीते हुए सोमवार को पुलिस ओरियन में गए हैं वहाँ पर कुछ तलाशी लेने के लिए इस बद्रैफ में, और वहाँ पर भी बहुत से ऐसे सामान कब्जे में लिया गया है। इस मामले में आगे खोजबीन हो रहा है। बीते हुए सोमवार को ये कहा जा सकता है एक ऐतिहासिक दिन था नोतारसन के लिए, क्योंकि एक दफ़ा में 10 नोतारसन का नियुक्ति हुआ है, बनुमिंग हुआ है होफन यूस्टिसी के पास। ऐसे पेशतर नहीं मुमकिन था, लेकिन नया नोतारस वह जो अभी हाल ही में पास हुआ है पंचघर में, तो इसके मुताबिक ये अब मुमकिन है कि एक बार में 10 नोतारसन का बनुमिंग हो सकता है। ये नया नोतारस वैद के मुताबिक हो सकता है। मानव कन्हाई जो फोर्सिटर है सूरीनाम से नोटारियल बरुप्स और हनी साथी SNB का, ये कहते हैं कि इन 10 नोतारसन के बाद से आंताल नोतारसन जो है अब 30 हो गया है। कुल मिलाकर सूरीनाम देश में अब 30 दर्तक नोतारसन है। ये बहुत ही खुशी के बात है और वो इसलिए क्योंकि 30 लोग अगर मिलकर ये नोतारस का काम करेगा तो काम बढ़ जाएगा और जल्द में लोगों का मदद होगा और ज़्यादा हाथ होगा अब काम करने के वास्ते। वर्नेमंथ हॉफ प्रेसिडेंट जो है इवान रसोलबक्स ये कहे हैं कि नोतारस वेत जो नया नोतारस वेत है इसके आधार पर नोतारसन को कुछ बस्तूर जो है SNB का बस्तूर जो है इन लोगों को कुछ बफुख्तेदन दिया गया है, कुछ इजाज़त दिया गया है,
और ये वेद के मुताबिक ना सिर्फ क्लियंटन जो नोटारस के पास आते हैं अपना काम करवाने के लिए, लेकिन एसएनबी का बस्तियों जो है ये सब भी, जो अगर ऐसा पता चलेगा कि किसी क्लियंट के साथ कुछ गलत हुआ है तो ये सब भी कदम उठा सकता है। और ये है तुख्त कलेशे के जरिए, तुख्त कलेशे के पास ऐसा एक नोटारस जो गलत काम करेगा इनको पेश किया जाएगा। इसलिए वो गुजारिश किए हैं जितना जल्द हो सके ये तुख्त कलेशे जो है इसको कायम करना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अभी तक तुख्त कलेशे नहीं है और इसलिए भी ज़रूरी है ये तुख्त कलेशे का, क्योंकि नोटारियात के पास नोटारस इनके सिलसिले में काफ़ी शिकायत अंदर आई है, क्लियंटन की तरफ से काफ़ी शिकायत अंदर आई है और इस पर हॉफ अब गौर नहीं कर सकता है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ये तुख्त कलेश आए। प्रोकुरोर खैनराल बैजनाथ पांडे जो है कहते हैं कि नोटारस इनको एक ओंदरसुख्सप्लिख्त है, लोगों को ठीक तौर पर खोजबीन करना चाहिए, अगर सभी जानकारी मिल जाए तब भी कोई काम करना है इन लोगों को, और ये देखना चाहिए कि जो जानकारी आपको मिला है ये सही है या नहीं, अगर सही नहीं होगा तो आप गलत जानकारी से काम करेंगे और ये इसके लिए इसका ये हो सकता है इसका नतीजा कि तुख्त रेख्तलक और सिफिल रेख्तलक आपको सीमावार ठहराया जाएगा। अगर किसी का हानि होगा, आपके जो काम आप किए हैं इससे किसी का हानि होगा तो इससे आपको भी सजा हो सकता है, और ये सजा देने के लिए तुख्त कलेश बहुत ज़रूरी है, इसलिए तुख्त कलेश कायम करना नोटारसन के लिए भी जल्द में होना चाहिए। जिन नोतारसन का बईद हिंग हुआ है इसमें आकाश पुनवासी, शेर मारचांद, नंदनी लालाराम, मारियन कदोंगन, खैरलिन ओर, मौरिन पिनास, अनेका शेनालेन, लिंडन फेर्दिनांड, शर्ली सेवराज और शफीता महादेव सिंह। बकौफ बिदरे फाई के बारे में, फूड एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज के बारे में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये बदरेफ ये कारखाना जो है ये काफ़ी मुश्किल में है। मिनिस्टर रबिन परमेसर एल्फीफी लंगबाउफी तेलतोरफी सराय का मिनिस्टर जो है ये पंच घर में बातचीत किए हैं और बताई है कि ये बदरेफ जो है कितने मुश्किल में है। 90% आंदेलन जो है इस बदरेफ का ये बाउतलांदर्श के हाथ में है, एक बल्कि मुदर मात्सपे के हाथ में है, और ये सब $1 के लिए सिंबोलिस $1 के लिए ये तमाम आंदेलन बेचना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी सारे कर्जा भी है जो फाई के पास है, सभी कर्जे के साथ लोग ये बदरेफ बेचना चाहते हैं। अगर सरकार या कोई तीसरा शख्स इसे नहीं खरीदेंगे तो लोग फाई सामान का आन फ्राह करने वाले हैं, फाई का मांग करने वाली है। ये जो बहुतलों से डायरेक्ट सिलेदन विदेश के डायरेक्ट सिलेदन है ये सब भी देश छोड़कर चले गए हैं। इस वक्त फाई के पास बक्से 2 संधि नहीं है एक्सपोर्ट करने के लिए, जिसमें लोग ये बकवा ये केला रख के त्रिनिदाद एंड टोबैगो की तरफ एक्सपोर्ट कर सके ये इस वक्त भी मुमकिन नहीं है। पेशतर फाई का डायरेक्सी जो है सरकार से पैसे का मांग किए थे, ये बदरेफ जब मुश्किल में थे लोग पैसे का मांग किए थे ये बदरेफ आगे चलाने के लिए, लेकिन सरकार इस पर गौर नहीं किए थे। बाद में काफ़ी सोच विचार करने के बाद सरकार ये फैसला लिए थे कि जो फाई का मांग था $20 मिलियन का, इसके जगह पर ये सब सरकार इन लोगों को $5 मिलियन दिए थे। एलफीफी का मिनिस्टर रबिन परमेसर ये कहते हैं अगर कोई प्लानिंग नहीं है, नहीं पता है क्या होगा और कैसे ये बदरेफ चलाया जाएगा, तो सरकार तो यूं ही पैसा नहीं देने वाले है या पैसा नहीं देते। इस बारे में दयाना में बातचीत हुआ है और रेमोन सपून जो कोवालिसी का पार्लियामेंटारियन है कहते हैं कि इंसानियत के कारण ये देखना चाहिए कैसे यहाँ के मजदूर को पैसा भरने के लिए, क्योंकि इन लोगों को पैसा भरना, इन लोगों का तनख्वाह देना ये बहुत ज़रूरी है। वैसे एनडीपी का फ्राक्सी लीडर अमजद अब्दुल कहते हैं कि ये ज़रूर चिंता करने की बात है, क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं 1200 परिवारों के बात हम करते हैं जिनके पास आमदनी नहीं है अपना ज़िंदगी का गुजारा करने के लिए। फेहापे का पार्लियामेंटारियन महेंद्र जोगी कहते हैं कि सरकार को देखना चाहिए, मौका तलाश करना चाहिए कैसे ये 50 साल का ये बदरेफ जो है इसको बचाया जा सकता है और इसको बंद नहीं करना पड़े।
वैसे मिनिस्टर ये खबर दे चुके हैं कि सरकार फैसला किए है यहाँ का जो 1200 मजदूर है इन लोगों का तनख्वाह भरने के लिए, सभी जो मजदूर है 1200 मजदूर है इन सभी को यानी महीना के लिए 500 SRD 500 SRDs फोर्स खुद सरकार भर चुके हैं। और इस मुश्किल पर इस वक्त गौर किया जाता है कि आगे क्या होगा। एक एक्टिविस्ट जो है स्टेफानो पकितो बीरफ्ली, ये इजाज़त का मांग किए थे ऑन अ फंकलखेट्स प्लेन पर, यहाँ पर कुछ एक प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी करने के लिए, और ये वो करने वाले हैं आने वाले सोमवार फ़रवरी के 17 तारीख को। डायरेक्टर कैबिनेट प्रेसिडेंट का ओशन फंडरसन इनको इजाज़त दे चुके हैं कि कोई इन लोगों को कोई इकरार इन लोगों को ये इस बात से इकरार है, लोग इकरार करते हैं, लोग इजाज़त देना चाहते हैं, लोग यहाँ पर जाकर ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी कर सकते हैं। और बीरफ्लीट को अब जाना चाहिए देसई के पास इजाज़त के लिए, और ये इजाज़त भी इन्हें मिल चुका है, इन्हें ये जो फरखोनिंग है मिल गया है आने वाले सोमवार को यहाँ पर ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी करने के लिए। ऐसा बीरफ्लीट अपने फेसबुक पेज पर भी कहा है कि वो बहुत खुश है इन्हें इजाज़त मिल गया है, लेकिन इजाज़त मिला है कुछ शर्तों के साथ, और इसमें से एक शर्त ये है कि यह प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी के कुछ ही घंटों के बाद ये पूरा जो अनाफंकलखेट्स प्लेन है लोगों को साफ करना चाहिए, वहाँ से सभी गंदगी हटाना चाहिए। इसी सिलसिले में हम आपको ये बता सकते हैं कि कहा गया है अलस प्लब, यही स्लोगन है 17 तारीख फ़रवरी के वास्ते, सोमवार के वास्ते, किसी को काम पर नहीं जाना है यही पुकार है, सबको आना है हड़ताल करने के लिए, क्योंकि लोग नाखुश है देश की समस्या देश के सिचुएशन से, जो लोगों को मुश्किल है इस देश में, कुर्स जो चढ़ गया है, दुकानों में सभी दाम चढ़ गया है, और अभी हाल ही में जो कसर सिर्फ गुम हुआ है, इसी सिलसिले में लोग प्रोटेस्ट एक्सिस करना चाहते हैं और लोग चाहते हैं कि सरकार को घर जाना चाहिए। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि यह प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी के सिलसिले में प्रेसिडेंट देसी बौद्ध से बेशतर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसी पर कहा था कि इन लोगों को इजाज़त दीजिए, वो देखना चाहते हैं कितने लोग आएंगे इस प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी में, और वो ये ज़रूर कहे हैं, ये भी कहे हैं कि 24 तारीख फ़रवरी को NDP का एक मासा मीटिंग है, और वो दिखाएगा, वो लोगों को ये दिखाएगा और साबित करेगा कि यहाँ पर ये NDP मासा मीटिंग में इससे और ज़्यादा लोग आएंगे। आपको पता है कि 25 तारीख को रेवोल्यूशन का दिन है, तो इसी दिन यानी 24 तारीख फ़रवरी को 12 बजे रात को रेफो प्लेन पर यहाँ पर क्रंस लेखिंग रहेगा। तो बहुत अच्छा कहे है कि 24 तारीख के ये जो मासा मीटिंग रहेगा यहाँ पर ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी से ज़्यादा लोग एकत्र होंगे। हम आपको ये बता सकते हैं कि बहुत से लोग ये कह चुके हैं कि ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी जो सोमवार को होने वाले हैं इसमें लोग हिस्सा लेने वाले हैं, बहुत से ऐसे बदरेफन हैं, और भी पॉलिटिकल पार्टियों जो है और भी बदरेफ के अलावा पॉलिटिकल पार्टियों के अलावा भी फकबंस और खानीसाज़ भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं या साथ देने वाले हैं। Algemene aannemersvereniging, VHP, C47, NPS, BVL or ALS, VES, VCB, Diakonesse Ziekenhuis, Political Party, PL or DA91, और भी हम सुरीनाम, ये सब कह चुके हैं कि ये सब ज़रूर आएंगे ये प्रोटेस्ट मैनिफेस्टासी में हिस्सा लेने के लिए। ये जो BVL और ALS के मामला है इसके बारे में हम ये बताना चाहते हैं कि मिनिस्टर लिलियन फेरिये जो अंडरवेस का मिनिस्टर है, इन्होंने कहा है कि सभी लोग को स्कूल पे हाजिर होना चाहिए, स्कूल लगाया जाएगा, स्कूल का दरवाज़ा खोलना चाहिए, 1 बजे तक स्कूल रहेगा, अगर लोग स्कूल पर नहीं जाएंगे पढ़ाई करने के लिए या पढ़ाने के लिए तो इस पर सैंक्शन होगा, ऐसा मिनिस्टर फेरिये अंडरवेस का कह चुके हैं। वैसे ये अक्सी हम आपको बता चुके हैं क्यों होगा, लोग देश के जो हालात हैं जिसका जो समस्या है और जो कुछ हो रहा है इससे खुश नहीं है, और लोग चाहते हैं कि सरकार घर भेजा जाए। प्रेसिडेंट देसी बौद्ध जो है फकबंस लेदर अरमान सुंदर से बात की है, 73 साल का ये फकबंस लेदर 73 का कि इनको से गुजारिश किया गया, इनसे पूछा गया है गवर्नर बनने को सेंट्रल बैंक ऑफ सूरीनाम का।
वैसे हम आपको इस मामले के बारे में बात बताना चाहते हैं कि सुंदर ने फक बॉन्स लाइडर्स दूसरे फक बॉन्स लाइडर्स से बातचीत किए हैं। रॉबी बेरनस्टेन जो फोर्शेटर है सी सी फिल्म फेयर तक का, ये कहते हैं कि वो इनके सुंदर का मदद करना चाहते हैं अगर वो सेंट्रल बैंक का गवर्नर बनना चाहते हैं, लेकिन कुछ शर्तें हैं और एक शर्त ये है कि इसमें पॉलिटिक का कोई बोलबाला नहीं होना चाहिए। जो काम वो करेगा सेंट्रल बैंक के पास, इसमें पॉलिटिक का कोई बोलबाले नहीं होना चाहिए। और साथ में ये कहा गया है, यह मांग है कि मिनिस्टर गिलमोर हुफ्द्राट फिनांसियन का जो मिनिस्टर है, इनको अपना पदवी छोड़ देना चाहिए। ऐसा तो नहीं होने वाले है ये कहा गया है, तो इसलिए ये भी अब बाहर आई है खबर कि जो फक बोंदन है ये सुंदर का साथ नहीं देगा, ये इनका मदद नहीं करेगा, सेंट्रल बैंक का अपना सहमति नहीं देगा सेंट्रल बैंक का गवर्नर बनने को। सुंदर जो है ये प्रोग्रेसिव वर्कनेमश और खानीसासी का बागडोर संभाल रहे हैं। ये फोर्सेटर भी है नेशनल रिपराटिस कमेटी का, ये इकोनॉमी स्टूडेंट किए हैं, पढ़ाई इकोनॉमी का किए हैं हॉलैंड में, और ये मिनिस्टर था स्टाट्सग्रीप के बाद 15 मार्च से लेकर 20 जून 1980 में। वैसे C47 अब ये कह चुके हैं और भी दूसरे फकबोंदन ये कह चुके हैं कि ये सब सहमत नहीं है अरमान सुंदर को ये कैंडिडेट स्टेलिंग से कि ये गवर्नर बनेगा सेंट्रल बैंक फन सुरीनाम का। पेस्टर बेरनस्टेन ने कहा था कि वो पशोन लगा टीटल पर कहा है, लेकिन बातचीत करने के बाद अपने अख्तरबान से बातचीत करने के बाद तो अब ये कहा गया है कि कोई इस बात से सहमत नहीं है। वैसे ये भी सुनने में आए हैं कि सेंट्रल बैंक फन सुरीनाम का मजदूर भी इनको नहीं चाहते हैं। ये आखिरी खबर है आज 7 दिन में। शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।